बर्ड्स फैमिली। ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ पर काफी सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में टॉयलेट की बहुत समस्या थी। उस पूरे जंगल में सिर्फ एक ही टॉयलेट था, जहाँ पर सुबह सुबह तमाम पक्षी जमा हो जाते थे और सब अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे होते थे। अरे बिरजू, जल्दी बाहर निकलो, तुम कितने समय से टॉयलेट में घुसे हुए हो। अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है, ये पिछले आधे घंटे से इस टॉयलेट में घुसा हुआ है। न जाने ये अंदर क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो मुझे गैस का मसला है। अगर ये बिरजू तोता कुछ समय में बाहर ना निकला तो यहाँ बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अरे बिरजू तोता, बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो। बिरजू तोता सुकून से टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ होता है। अरे पक्षियों, चिल्लाते रहूं, परंतु मैं आधे घंटे से पहले इस टॉयलेट से बाहर आने वाला नहीं हूँ। यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है, इतने समय बाद तो खुल के जिंदगी जीने का मौका मिलता है। और ये पागल पक्षी आ जाते हैं रंग में भंग डालने। फिर भी बिरजू तोता टॉयलेट में लगा पानी का नलका खोलता है, परंतु उस नलके में पानी नहीं आ रहा होता है। बिरजू तोता ये देखकर चिंतित हो जाता है और वे कहता है, अरे मर गए, इस नल में तो पानी ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ मैंने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया था, वरना तो मैं बुरा फंस जाता। परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी इस नल में क्यों नहीं आ रहा। फिर वे बिरजू तोता टॉयलेट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वे तमाम पक्षी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बिरजू, तुम इतनी देर से टॉयलेट में क्या कर रहे थे? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम बाहर ही नहीं निकल रहे। अरे हाँ बिरजू तोते, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे गैस की समस्या है। अरे हाँ बिरजू, यह भी कोई बात हुई? तुम तो टॉयलेट में जाकर बैठ ही गए। अरे पक्षियों चुप करो और तुम लोग मेरी चुपचाप बात सुनो। मैं टॉयलेट में बैठा हुआ था, परंतु जैसे ही मैंने नल खोला उसमें तो पानी ही नहीं आया। अरे क्या मतलब हमारे टॉयलेट में पानी ही नहीं आ रहा है? हाँ बुलबुल बहन, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। अरे मर गया, अब मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँ? अरे कुछ नहीं कबूतर, अब थोड़ी देर कंट्रोल करो। अरे पक्षियों, मुझे तो लगता है हमारी पानी के लाइन में कोई चीज फंस गई है। हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि क्या समस्या है। अरे हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अभी जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए ताकि पानी तो आ जाए। ठीक है बिरजू तोते, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम फटाफट से पानी की लाइन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं। फिर वे तीनों पक्षी ऐसा ही करते हैं और वे तीनों पानी की लाइन के अंदर आ जाते हैं और वे हर तरफ देख रहे होते हैं, परंतु उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आ रही होती। और बिरजू तोते, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तुम तो कह रहे थे कोई चीज पानी की जगह पर फंस गई होगी, तभी पानी नहीं आ रहा। अरे हाँ कालू, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, परंतु यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है। एरी, हमारी फूटी किस्मत, न जाने पानी क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं अपने छोटे से टीने को कैसे नहलाऊंगी, वैसे ही वे नहाता ही नहीं है। अरे बुलबुल, तुम्हें यहाँ नहाने धोने की पड़ी हुई है और मैं यहाँ कब से कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। अरे हाँ हाँ कबूतर, बस थोड़ा सा कंट्रोल और कर लो। बिरजू तोता कबूतर को तसल्ली दे रहा होता है, तभी उस कबूतर की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है और वे उसे देखकर डर जाता है। अरे मैं कंट्रोल तो कर लूंगा, परंतु तुम लोग वहाँ तो देखो, वहाँ तो मीनू चिड़िया का भूत है। अरे मैं तो मर गया। कबूतर की बात सुनकर तमाम पक्षी मीनू चिड़िया के भूत की तरफ देखते हैं और वे उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया, ये तो मीनू चिड़िया है, परंतु ये भूत कैसे बन गई? अरे अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया इतनी भयानक कैसे हो गई? इसे देख के तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
मेरी फूटी किस्मत, जो बिरजू मैंने तेरी बात सुनी और मैं इस पानी की लाइन में आ गया। एरी, इस मीनू चिड़िया को देख के तो मुझे भी डर लग रहा है, परंतु तुम लोग जरा वहाँ पर तो देखो, इस मीनू चिड़िया ने उस बड़े से पत्थर से सारा पानी रोका हुआ है, तभी हमारे टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा। अभी वे तमाम पक्षी डरे हुए होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से मीनू चिड़िया उनसे कहती है, एरी पक्षियों, आप लोग आ गए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, अब मैं आप सबको खा जाऊंगी। और अब आप रे बिरजू तोते मरवा दिया रे, ये मीनू चिड़िया तो हमें खाने की बात कर रही है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे तो नहीं खाओ। हाँ, इन पक्षियों को तुम खा सकती हो, परंतु मुझे तो छोड़ दो। मेरी पक्षियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको नहीं खाऊं, तो आप लोग शराफत से यहाँ से भाग जाएं, वरना मैं आप सबको खा जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोग पानी की समस्या की वजह से यहाँ पर आए हैं, परंतु मैं इस पानी के रास्ते से ये बड़ा सा पत्थर नहीं हटाने वाली। अरे लेकिन क्यों मीनू चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी तरह ये पूरे जंगल भी गंदा हो जाए और तमाम पक्षी गंदे गंदे घूमे। एरी बिरजू, ये मीनू चिड़िया पागल हो गई है, अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अरे हाँ, इस समय हमें यहाँ से भागना ही होगा, क्योंकि यही बेहतर है। ऐसा सोचकर वे तीनों पक्षी उस पानी की लाइन से बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचने पर शुक्र अदा कर रहे होते हैं। अरे बाल बाल बच गए, वरना आज ये मीनू चिड़िया तो हम सबको खा ही जाती। एरी हाँ, और वो कितनी ज्यादा भयानक लग रही थी, परंतु मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये तो इतनी अच्छी थी, अचानक इसे ऐसा क्या हो गया जो ये भूत बन गई है। हाँ बुलबुल, वह तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अभी वे तीनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें ख्याल आता है। अरे हम तीनों तो यहाँ हैं, परंतु वह कबूतर कहाँ रह गया है? एरी बापरी, मुझे लगता है वे बेचारा कबूतर उस पानी की लाइन में ही रह गया है, न जाने उस मीनू चिड़िया ने उसका क्या हल किया होगा। और हाँ, वे बेचारा कबूतर तो बहुत ज्यादा मुसीबत में होगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे हाँ, परंतु मुझे इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी वे तीनों पक्षी काफी चिंतित होते हैं कि अचानक से उस कालू कौवे के दिमाग में एक विचार आता है। अरे पक्षियों, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, जिससे हम उस कबूतर और उस मीनू चिड़िया की मदद कर सकते हैं। हमें तोते महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए, वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं को जानते हैं और वे हमारी मदद जरूर करेंगे, फिर क्या पता मीनू चिड़िया और वे कबूतर ठीक हो जाए। अरे हाँ कालू कौवे, तुम्हारी बात में दम तो है, चलो हम तोते महाराज के पास चलते हैं। एरी, परंतु हम तोते महाराज के पास गई और पीछे से वे कबूतर बाहर निकल आया तो फिर इस बेचारे कबूतर का कौन सा संभालेगा? अरे हाँ बुलबुल, तुम भी ठीक कह रही हो, यहाँ पर कुछ पक्षी तो होने चाहिए जो उस कबूतर की मदद कर सके। अरे पक्षियों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तोते महाराज के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ, फिर देखना वे मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है कालू कौवे, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी आना। ऐसा कहकर वे कालू कौवा फौरन से तोते महाराज के पास पहुंचता है और तोते महाराज को सारी बात बताता है। अरे कालू कौवे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे राज्य में आखिर हो क्या रहा है? अरे हाँ तोते महाराज, हमारी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वे बेचारी मीनू चिड़िया न जाने कैसे भूत बन गई है और उसने सारा पानी भी रोका हुआ है। अरे कालू कौवे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनका पता दे दूंगा, तुम उनके पास जाकर कहना, फिर वह मीनू चिड़िया को ठीक कर देंगे। अरे तोते महाराज,
क्या आप वाकई में इतने बड़े तांत्रिक बाबा को जानते हैं जो कि मीनू चिड़िया का भूत भगा सके? अरे हाँ कानू, मैं एक ऐसे ही तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भूतों को भगाया है। तो फिर ये मीनू चिड़िया का भूत क्या चीज है? अरे तोते महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उस तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उसे सारी बात बताता हूँ। फिर वे तोते महाराज उस कालू कौवे को तांत्रिक बाबा का पता बता देते हैं और वे कालू कौवा उड़ते उड़ते उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा के पास पहुंचने के बाद वे कालू कौवा तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताता है। अरे टुनटुन बाबा, यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारी दोस्त मीनू चिड़िया भूत बन गई है और उसके साथ एक कबूतर भी फंस गया है। और तो और, उस मीनू चिड़िया ने पूरे जंगल का पानी रोका हुआ है। अरे कालू कौवे, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ। उस बिचारी मीनू चिड़िया पर एक गंदे और दुष्ट भूत की आत्मा आ गई है, इसी कारण वह मीनू चिड़िया सब पक्षियों के साथ ऐसा कर रही है। परंतु तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास मीनू चिड़िया को ठीक करने का उपाय है। अरे वाह तांत्रिक बाबा, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप जल्दी से मुझे मीनू चिड़िया को ठीक करने का उपाय बता दो। हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वे तांत्रिक बाबा अपने सामने एक साबुन निकाल कर रखते हैं और वे कालू कौवे से कहने लगते हैं। कालू कौवे देखो, ये एक मायावी साबुन है। इसे जैसे ही तुम मीनू चिड़िया के शरीर पर लगाओगे, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मीनू चिड़िया के शरीर में घुसी हुई वे दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। क्या तांत्रिक बाबा, इस साबुन से मीनू चिड़िया को नहलाने पर वे आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगी? परंतु ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वे आत्मा दुष्ट और बहुत गंदी है। उसे सफाई से सख्त नफरत है और वे अच्छी चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए तुम जैसे ही मीनू चिड़िया को इस साबुन से नहलाओगे, वे आत्मा उसका शरीर छोड़कर भाग जाएगी। अरे वाह तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत बढ़िया उपाय बताया है। अब मैं मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे साबुन से नहला देता हूँ, फिर वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वे कालू कौवा वे मायावी साबुन लेकर बाकी पक्षियों के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बताने लगता है। अरे पक्षियों, ये साबुन मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा ने दिया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मीनू चिड़िया को हमें इस साबुन से नहलाना है। अरे कालू कौवे, कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? क्या मीनू चिड़िया काफी दिन से नहाई नहीं है जो हम उसे नहलाएंगे? अरे हाँ कौवे, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पक्षियों, ये साबुन मायावी है और इससे जैसे ही हम मीनू चिड़िया को नहलाएंगे, उसके शरीर की दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाएगी और फिर मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ईरी क्या कल कवि, ऐसी बात है? तो फिर हम जल्दी से चलते हैं और मीनू चिड़िया को इस साबुन से नहला देते हैं। अरे हाँ हाँ कालू, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, वह बेचारा कबूतर हमारी राह तक रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने उस बेचारे कबूतर को पकड़ा हुआ होता है और वे उससे कह रही होती है। अरे कबूतर, तुम मेरे साथ रहो, तुम उन पक्षियों के साथ नहीं जाना, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। अरे नहीं, तुम मीनू चिड़िया नहीं हो, तुम तो भूत हो, और मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? एरी कबूतर, तुम्हारी समझ में नहीं आती, मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, मतलब मेरे साथ ही रहोगे। कबूतर मीनू चिड़िया की बात सुनकर डर जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है। अरे ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अभी ये बात चल ही रही होती है कि वे तीनों पक्षी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। उन तीनों पक्षियों को देख मीनू चिड़िया कहती है। एरी, तुम लोग वापिस आ गए, लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अब तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। हाँ मीनू चिड़िया, हम तुम्हें अब बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक मायावी साबुन है, हम तुम्हें उससे नहला कर बिल्कुल साफ कर देंगे। हाँ, और फिर तुम्हारे शरीर में घुसी हुई ये दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीनू चिड़िया के शरीर में घुसी हुई आत्मा थोड़ा डर जाती है। कालू कौवा फौरन से मीनू चिड़िया को उस मायावी साबुन से नहला देता है और देखते ही देखते मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है।
मीनू चिड़िया के ठीक होने के बाद वे तमाम पक्षी मिलकर वे बड़ा सा पत्थर वहां से हटा देते हैं और एक बार फिर से उस जंगल के टॉयलेट में पानी वापस आ जाता है और वे तमाम पक्षी एक एक करके टॉयलेट जाने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अकलमंदी और बुद्धि से हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी बर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।